अखिलेश यादव खोलना चाहते थे लिट्टी चोखा की चैन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टेन इंडिया में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। अखिलेश यादव के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आज उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में ना आपने कभी कहीं पढ़ी होगी और ना ही आपने सुना होगा। यूपी के यंगेस्ट सीएम थे अखिलेश यादव, 38 साल की उम्र में सीएम बने थे, यह तो आप सभी को पता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि वह राजनीति में नहीं जाना चाहते थे बल्कि लिट्टी चोखा की चैन खोलना चाहते थे। अखिलेश यादव को राजनीति पसंद नहीं थी, इसलिए वे राजनीति के क्षेत्र में अपने परिवार के खास रुतबे के बाद भी इससे हटकर कुछ करना चाहते थे। वे मैकडोनाल्ड की तर्ज पर पूरे देश में लिट्टी चोखा के चैन शुरू करना चाहते थे। जो लोग भी जानते होंगे, लिट्टी चोखा बिहार का एक फेमस डिश है जो उत्तर प्रदेश में भी चलता है। उत्तर प्रदेश में भी लोग उसे खाना पसंद करते हैं, उसके कई सारे चैन और दुकानें हैं। सिडनी से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद वे लिट्टी चोखा की चैन शुरू करना चाहते थे। अपनी पढ़ाई के दौरान हॉस्टल में रहते हुए वे इसे लेकर योजनाएं बनाते थे, लेकिन यूपी में हालात इस कदर बदले कि उन्हें न केवल राजनीति में आना पड़ा बल्कि सीएम की कुर्सी पर भी बैठना पड़ा। 38 साल की उम्र में बने थे सीएम। आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के यंगेस्ट सीएम थे अखिलेश यादव। 2012 में विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी हवा चली कि सपा 224 सीटों पर जीत गई। बस इसके बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। हालांकि इससे पहले वे 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीत चुके थे। वे साल 2000 में यूपी के कन्नौज लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव जीते थे। इसके बाद साल 2004, साल 2009 में भी लोकसभा के सदस्य बने। ना सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति में आने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन जब राजनीति में आए तो ऊंचा मुकाम पाया। यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव भी उनमें से ही एक है। अखिलेश यादव भी राजनीति की अपनी पारिवारिक विरासत को दरकिनार करके लिट्टी चोखा के चैन खोलना चाहते थे। यहाँ तक कि उनके पिता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी नहीं चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा राजनीति में आए। इस बार भी समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव में पूरी तैयारी से मैदान में उतरी है और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। इस विषय में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की खबरों के अपडेट में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी